दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार जो चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर चलती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर। सबसे पहले आपको कार दिखा दूं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वही कार है एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर चलती है। तो क्या आप जानना चाहेंगे किस कंपनी की है ये कार और कितने रुपए में मिलती है? चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार जो चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर चलती है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों आपको बता दें जब कभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात होती है तो सबसे पहला नाम टेस्ला कार कंपनी का आता है, क्योंकि ये कंपनी अपनी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए जानी जाती है। शानदार इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस कंपनी ने प्रदूषण रहित ऐसे वाहन बनाए हैं जो प्रदूषण को रोकने में काफी मदद करते हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो साल 2003 में इसे मार्टिन एबरहार्ड और मार्क ट्रेपेनिंग द्वारा स्थापित किया गया था। इस कंपनी ने साल 2008 में अपनी पहली स्पोर्ट कार रोडेस्टर उतारी थी, जिसने टेस्ला कार कंपनी को एक नई सफलता दी थी। जो आपको स्क्रीन पर कार दिख रहा है, इस कार ने 27 अक्टूबर 2009 को एक बार चार्ज होने के बाद 501 किलोमीटर तक की दूरी तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज के समय वाहनों से काफी प्रदूषण हो रहा है, ऐसे में आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो मालूम है प्रदूषण बहुत फैल रहा है और हमारी सरकार भी चाहती है कि डीजल और पेट्रोल वाला वाहन जल्द से जल्द बंद कर दें। इसीलिए आपको बता दें आने वाला समय पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो टेस्ला कार जैसी कई कंपनी सामने आ जाएगी जो ज्यादातर समय अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर देने लग जाएंगी। आपको बता दें टेस्ला कंपनी को अपनी पहली स्पोर्ट्स कार रोडेस्टर से काफी सफलता मिली है और अब एक कंपनी रोडेस्टर से भी जबरदस्त कार लॉन्च करने वाली है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार रोडेस्टर को एक बार फुल चार्ज होने पर 501 किलोमीटर चला सकते हैं। वहीं अब इस कंपनी की नई कार रोडेस्टर 2020 एक बार फुल चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर चलेगी। हालांकि आपको बता दें अभी इस कंपनी की इस नई कार को लॉन्च होने में 2 साल का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों इस कार के फीचर सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दोस्तों अगर हम टेस्ला कंपनी की इस कार के फीचर की बात करें तो सिर्फ 1 सेकंड में 1 किलोमीटर घंटा का रफ्तार पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर घंटा का रफ्तार पकड़ लेती है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कार की टॉप स्पीड भी 400 किलोमीटर घंटा से ज्यादा है। 400 किलोमीटर घंटा, ओ माय गॉड। इस कार की खास बात यह है कि इसमें पिछले पहिए अगले पहिए की तुलना में थोड़े बड़े हैं। इसके अलावा इस कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। इस कार को मार्केट में आने में थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों इस कंपनी के मालिक ने दावा किया है कि इसे 2020 में मार्केट में लाया जाएगा, लेकिन इसकी अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी के मुताबिक इस कार को $50,000 यानी 32 लाख रुपए में बुक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, $50,000 अगर हम उसे भारतीय मुद्रा में देखें तो 32 लाख रुपए होता है। दोस्तों अगर आप भी इस कार की प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर 32 लाख रुपए देकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों इस कार के लिए आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आपके पास कौन से कंपनी का कार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।